जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास यानी नामजप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें भी उद्वेगित ना करे और किसी दूसरे को भी उद्वेगित ना करे। घर में हम सबसे बुरी तरह किससे बोलते हैं? बच्चे लोग बताएंगे किससे बोलते हैं सबसे ज्यादा बुरी तरह? मम्मी से। और सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है और सबसे ज्यादा कष्ट कौन सहन करता है? बोलना चाहिए। और पुरुष लोग सबसे बुरी तरह किससे बोलते हैं? पत्नी से। वाह क्या बात, वाह। तो मम्मी भी गई, मम्मी भी स्त्री घर की और पत्नी भी स्त्री। तो कह रहे ऐसा वाक्य बोलो जो किसी को भी उद्वेगित ना करे। तो ये हमारा जो कह रहे हैं भगवान, ये वाणी का तप है। सबसे अच्छी तरह से बोलना, किसी से भी बुरी तरह ना बोलना, ना सेवक से, सेवाधारी से, ना मम्मी से, ना हस्बैंड से, ना साधकों से, किसी से भी बुरी तरह ना बोलना। हमेशा हमारी भाषा प्रेम में होनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज कहनी भी है गुस्से से तो स्ट्रिक्टली कह ले, पर उसमें हमारे उद्वेग नहीं होना चाहिए, उसमें भी प्रेम होना चाहिए। गुरु जो भी कहते हैं उनका अंदर से प्रेम होता है, हमारे हित की बात होती है। सत्यम प्रिय हितम च यत, जैसा पढ़ा सुना देखा निश्चय किया गया हो उसको वैसे ही वैसे स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कहना सत्य है। कह रहे हैं जो भी हमने देखा सुना है उसको वैसे के वैसे बता देना। गुरुजी पूछते हैं ना तुमने क्या देखा, तो हम क्या बताते हैं? नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ा के। कह रहे ऐसे नहीं, कह रहे उसको बहुत ही सिंपल तरह से, ताकि चीज जो है बढ़ ना जाए, उसको सिंपल तरह से सहज भाव से बता दें। उसको चटकारे लेके बताना, उसको नमक मिर्च लेके बताना, तो कह रहे हैं ये सत्य प्रिय भाषण नहीं है। इधर की उधर करना, निंदा चुगली करना, इधर की बात उधर करना, कह रहे ये सब वाणी के तप में नहीं आता। दूसरे की बात करना ही नहीं चाहिए। कह रहे हमारी भाषा में क्रूअलनेस, क्रूरता, रूखापन, तीखापन, निंदा चुगली, अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग माता पिता अपने बच्चों को भी इतनी बुरी तरह करते हैं, उनके घर में इतनी अशांति होती है कि बच्चे भी घर में नहीं रहना चाहते, इतना गुस्सा करते हैं, उनके मन में इतनी अशांति होती है, इसलिए बोलते भी अशांति से। कह रहे प्रेम हर जगह हमको चाहिए, तब हमारे अंदर में प्रेम होगा, तभी वाणी से भी हमारे प्रेम टपकेगा। देखिए एक बार एक राजा ने मंत्री से पूछा कि सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मंत्री ने कहा जवान, ये जवान। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा सबसे दुनिया में बुरी चीज क्या है, तो मंत्री ने कहा जवान, ये जवान, हमारी जीभ, हमारी वाणी। तो राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर मौका मिलेगा तब दिखाऊंगा। एक दिन राजा साहब बैठे हुए थे तो मंत्री ने उनकी तारीफ करना शुरू करा। राजा साहब आप अन्नदाता हैं, आपने आपका राज्य तो राम राज है, आपने तो आप तो करुणा निधान है, आप तो प्रेमी हैं, आपने राज को कहाँ से कहाँ चढ़ा दिया, आपने कितनी राज्य की उन्नति कर दी, आपका राज कितना बढ़ गया, आप तो क्या नहीं है क्या नहीं है, इतना खुश कर दिया। एक घंटे तक राजा की तारीफ करता रहा। राजा ने कहा इनको 2000 मोहरे इनाम में दी जाए। तो उसने ले ली और कहा सरकार आपके बहुत सलाम उठे होगा उनको। अब एक बार, अब उसको दूसरी बार भी दिखाना था कि जवान सबसे बढ़िया चीज़ है, उसने दिखा दिया उनका जवान सबसे खराब चीज़ है। एक दिन वो लगा हुआ था, राज्यसभा लगी हुई थी, तो मंत्री साहब आए और उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। कह रहे आप क्या नहीं है और आप तो बिल्कुल बेकार आदमी है, आपने तो राज का सत्यानाश कर दिया, आपका तो दिमाग खराब है और आप तो बिल्कुल बेकार राजा हैं, और आपकी प्रजा, आपके राज में तो प्रजा बिल्कुल त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, गरीब लोगों का तो हालत खराब है, इतना आपने टैक्स लगा दिया, इतनी बुरी बुरा कहा।
राजा ने कहा ये इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा सर गुस्ताखी माफ हो, मैं आपको दिखा रहा था कि जब मैंने आपको अच्छे शब्द कहे तो आपने दो दो थैलियाँ 2000 मोहरे मुझे नाम दी, और आज मैंने गालियाँ दी, इस शब्द का दूसरा इस्तेमाल किया इस जवान का, तो आपने मुझे जेल में डलवा दिया। इसी जवान से हम दोस्त बना लेते हैं और इसी जवान से हम दुश्मन बना लेते हैं। तो कभी भी एक्साइटेड होके क्रोध में आके बुरी तरह हम किसी को भी ना करें। अपने से कहें हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर शांति से, बिल्कुल जब शांत हो जाए मन, तो अपनी बात बहुत धीरे से प्रेम से कह दे। बात को बिगाड़ने में देर नहीं लगती, पर बात को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कह रहे हैं स्वाध्याय क्या है, भगवान कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा वाणी का तप है कि गीता रामायण भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, जो सत्संग करना है ये भी वाणी का तप है। फिर भगवान कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करना, जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं ये वाणी का भी तप है और मन का भी तप है। तो जो आप बराबर भगवान का नाम का जप करते रहते हैं, आपके हाथ में काउंटर या माला होती है, ये वाणी का बहुत बड़ा तप है। फिर भगवान कह रहे हैं दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को ना कहना, वृथा बकवास ना करना, अर्थात जिससे अपना दूसरों का कोई लौकिक व परमार्थिक हित सिद्ध ना हो ऐसे वचन ना बोलना, पारमार्थिक साधनों में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य नाटक उपन्यास आदि न पढ़ना आदि, जिनसे काम क्रोध लोभ आदि में सहायता मिले ऐसी पुस्तकें न पढ़ना, जासूसी उपन्यास वगैरह ना पढ़ना, टीवी सीरियल्स बेकार के ना देखना। बोले ये सब वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब कह रहे हैं मन का पहला तप क्या है, मन को प्रसन्न रखना, हर समय खुश रहना। हम लोगों से कितने लोग हर समय खुश रहते हैं, हरे राम राम राम, अरे राधे 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 राधे, कोई खुश नहीं रहता। इतना दुख है, इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि हर समय कैसे खुश रहा जाए। मन की प्रसन्नता को मन का प्रसाद कहते हैं। कह रहे हैं आप हर समय प्रसन्न रहें, ये मन का प्रसाद है। हमेशा हम कब प्रसन्न रहेंगे, जब हमारे मन में से सारे दुर्गुण दुराचार निकल जाएं। अहंकार करना, इच्छा करना, दूसरों से बुरी तरह बोलना, दूसरों को बुरी तरह करना, बोले ये सब बातें जब निकल जाएंगी तो हमारा हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अच्छा दूसरी बात कह रहे, जब हमारा आधार संसार होता है, पुत्र स्त्री धन परिस्थितियां, जब ये हमारा आधार होता है तो हम दुखी रहते हैं, और जब हमारा आधार परमात्मा होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। अब हमारा आधार संसार है या परमात्मा है, परमात्मा है तो हम प्रसन्न रहेंगे। और स्त्री पुत्र धन, अब स्त्री पुत्र को कुछ होगा, हमारे धन को कुछ होगा, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जरा हमारे मन की नहीं होगी तो हम एकदम अप्रसन्न हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हमारी प्रसन्नता देश काल परिस्थिति पे बेस्ड है या हमारी प्रसन्नता परमात्मा पे बेस्ड है। अब कह रहे हैं मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, संसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति देश काल घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा ना होने देना। कहने कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी बुरी तरह बोल जाए, कोई कितनी भी बुरी तरह कह दे, कुछ भी हो जाए, कह रहे मन में राग द्वेष किसी के प्रति मत लाइए। पहली प्रसन्न रहने का तरीका, नो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। किसी से कोई इच्छा मत करिए, और कोई बैडली बिहेव करे तो राग द्वेष मत करिए। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर पक्षपात ना करना,
बोले हमारे फेवरेट्स होते हैं, ये मेरा फेवरेट, अगर आप किसी को भी फेवरेट बनाएंगे तो और सब लोग आपसे चिढ़ेंगे, तो किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करना। मन को सदा दया क्षमा उदारता आदि भावों में परिपूर्ण रखना। कह रहे मन में हमेशा दया और क्षमा आदि भाव रहे, मन में कभी भी प्रेम का भाव रहे सबके लिए, कोई भी बात हो जाए फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन में प्राणी मात्र का हित का भाव हो, कह रहे सबके लिए हमारा हित का भाव हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कैसे मन प्रसन्न रहे, हमारा मन हमेशा कैसे प्रसन्न रहे। कह रहे जो नियमित भोजन करता है, जो शरीर के लिए ठीक हो, अंट संट छोले भटूरे और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और वो सब नहीं खाता, सादा भोजन करता है, सिंपल और नियमित सादा भोजन करता है, तथा एकांत में रहने का स्वभाव है, हर समय लोगों से नहीं घिरा रहता। जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं, हर समय रजोगुण में रहते हैं, वो काफ़ी इरिटेटेड हैं, कह रहे बहुत कम बोलता है, हर चीज़ नियम संयम ठीक, बोल चाल ठीक, उसका आहार विहार नियमित है, तो कह रहे हैं वो प्रसन्न रहेगा। हर समय जप में लगा रहता है, दूसरे को किसी को बुरी तरह नहीं करता, ज़्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो प्रसन्न रहेगा। सौम्यत्वम, कह रहे हैं उसका हृदय में हमेशा उसके सौम्य भाव रहता है, उसके हृदय में एक स्वीटनेस है, उसके मन में एक प्रेम का भाव, सब रूप में मेरे गोविंद, सब रूप में नारायण, सब में भगवान। अब देखिए एक बार की बात है, एक गदाधर भट्ट एक संत थे, तो वो सत्संग किया करते थे, भागवत पढ़ा करते थे, तो उनके यहाँ बहुत प्रेमी आया करते थे। तो एक बार एक चोर उनके घर में, दरवाज़ा खुला था तो घुस आया, चोरी करी, अचानक उनकी जागती खुल गई, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अरे भगवान आए हैं जिस रूप में, तो उन्होंने उनकी गठरी उठवाई और उनके सर पे रखवाने लगे। तो उसने कहा, पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं तो चोर हूँ। तो उन्होंने कहा तुम भगवान आए हो इस रूप में, तुम ले जाओ ये। बोला नहीं नहीं मैं, उसने उनका भाव देखा, उनका प्रेम देखा, तो उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देखिए संतों का इतना भारी प्रभाव होता है, इतना भारी प्रभाव होता है कि अगर चोर भी उनके पास आए तो वो भी उनके नतमस्तक हो जाता है। और हमारा कितना प्रभाव है, हम गुरुजी के पास आते हैं, हम सत्संग में आते हैं, हमारा कितना प्रभाव है, हम कितना इरिटेटेड रहते हैं लोगों से, हमारे में कितना गुस्सा है, और हमको देखकर कितने लोगों में सहनशीलता है, प्रेम है, हमारा हमारे हमारा क्या रहे, हमारा इन्फ्लुएंस कैसा है चारों तरफ, कोई हमसे प्रेम मानता है, हमारे घर के लोग हमसे प्रेम मानते हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो हमसे प्रेम मानते हैं। और भक्तों का देखिए कैसा होता है। तो कह रहे हैं मन का तप ये है कि उसमें सौम्य भाव हो, उसको देखकर हर एक किसी को प्रसन्नता हो। बोले भक्त कौन है, जिसको देखकर भगवान की याद आ जाए। मौनम, बोले कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें मौन रहना। कैसे मौन रहना, मन को न चलाना, कि जो बात अपनी कहनी है उसको तो कह दीजिए पर मन को मत चलाए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा ये मन ही सब गड़बड़ी करता है, सारी गड़बड़ी कौन करता है, मन करता है। तो मन ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो खाली एक थॉट लाता हूँ। तो उस आदमी ने दिखाया, उसने कहा देखो एक दिन उसकी हलवाई की दुकान पर चाशनी उबल रही थी, तो उसने एक उसमें कढ़ाई में से वो लिया और उसकी दीवार पर एक छींटा मार दिया। अब क्या हुआ कि जब छींटा मारा तो मक्खियाँ आ गई, मक्खी को देखकर मच्छर भी आ गए, अब मक्खी मच्छर को देख के छिपकली आ गई, छिपकली आ गई तो उसको छिपकली को देख के बिल्ली आ गई, बिल्ली को देख के हलवाई की दुकान पर कुत्ता आ गया। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी तो जो उसकी वो हलवाई उस समय था नहीं, तो जो उसकी कढ़ाई थी चाशनी की वो उलट गई, फिर बराबर में घी की कढ़ाई थी वो भी उलट गई भट्टी में, अब दुकान में आग लग गई। तो आदमी ने कहा मैंने क्या किया,
मैं तो सिर्फ दीवार पर दो चींटे मारे। तो मन क्या करता है, मन क्या करता है, एक विचार लाता है, मन क्या करता है, और हम क्या करते हैं, पूरी आग लगा लेते हैं, हम पूरी आग लगा लेते हैं, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, इधर का भी, उधर का भी, सब सोच डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, बात का बतंगड़ बना लेते हैं, छोटी सी, वी मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, वी मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल, छोटी सी बात होती है और हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, छोटी सी राई का पहाड़ बना लेते। तो कह रहे हैं मौनम, मौनम का मतलब है कि कोई भी बात हो जाए तो मन को शांत रखो, इतने एक्साइटेड मत हो, इतना गुस्सा मत करो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हुई जा रही, तुम्हारा लक्ष्य भगवान है, तुम्हारा लक्ष्य संसार नहीं है, क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हो, अपने मन को बताइए शांति शांति शांति। हर समय मन को भगवान की बातों में लगा के रखना और भगवान में मन को लगाना, ये सबसे बड़ा तप है। सबसे बड़ा तप क्या है, मन को भगवान में लगाना, नाम जप करते रहना। हमारे मन में इधर उधर, देखिए अब जब इधर से भी देखते हैं, अपने मन से भी देखते हैं, मन में इधर उधर की बातें आती हैं और हम नाम जप कर रहे होते तो कहते हैं छड़े यार छोड़ो, फिर वो बात आएगी, फिर वो कुछ कुछ कुरे देगी मन को, फिर हम कहेंगे छोड़ो यार छोड़ो जाने दो, क्या क्या बेकार की बात करनी। फिर उसके बाद आप जप कर रहे हैं, एक घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, आप काम भी कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, फिर कोई बात मन में आई, फिर अभी छोड़ो, तो कितनी बातें कट जाती हैं। तभी कहा कि जप करने से मन में जो पाप वासना आती है वो भी कट जाती है। कैसे, मन में तो बार बार आ रही है बात और आप काट देते हैं। जिसका यह निश्चय है कि मुझे सिर्फ भगवान की तरफ चलना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, भगवान की तरफ ही सब मेरा लक्ष्य, परमात्मा है, गुरु के सानिध्य में मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, तो कह रहे हैं उसके भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं ऐसे साधक के। उसके ऐसा साधक जो होता है उसके अंदर उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का सहारा नहीं रहता। अब मेन क्या है मन की प्रसन्नता, कह रहे मेन यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, जब हमारे मन की ना हो तब भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहें, कोई हमसे उल्टी सीधी बकवास करे, बेकार की बात करे तो हम एक्साइटेड ना हो, क्रोध ना करें, उसमें भी सौम्य रहें, ये सब मन का तप है। मन को स्वतंत्र ना छोड़ें, मन को किसी ना किसी चीज में बिजी रखें। अगर मन को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो क्या करेगा, मन इधर उधर भागेगा, बोले घास कूड़ा जो है वो बहुत आसानी से होता है, फूल लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही संसार की बेकार की बातें मन में बहुत आसानी से आती हैं और भगवान में मन को लगाना पड़ता है। एक बार एक शिष्य जो है गुरुजी के पास आता है और कहता है मुझे बहुत काम है गुरुजी, मुझे बहुत काम है, मुझे एक कोई सेवाधारी दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, तो गुरुजी उसे एक जिन्न दे देते हैं पर कहते हैं ध्यान देना, अगर तुम उससे काम नहीं बताओगे तो तुम्हें खा जाएगा। बोलता गुरुजी नहीं मेरे पास बहुत काम है, फटाफट कहता है घर का ये काम करो वो काम करो, फटाक से कर लेता है, वो तो जिन्न था। फिर इसके पीछे एक जंगल होता है घर के, बोले ये साफ करो, वो भी साफ कर देता। अब वो कहता है मैं इसे क्या काम बताऊं, उसके पास कुछ जिसको से काम समझ में नहीं आता, तो भागता है वो गुरुजी के पास कि तो मुझे खाने को दौड़ रहा है अब मैं क्या करूं। गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी कहते हैं देखो भैया जब काम हो तो इससे काम ले लो जिन्न से, नहीं तो इसको अपने आंगन में एक सीढ़ी लगा दो और इससे कह दो चढ़ो और उतरो। तो मन की प्रसन्नता का क्या उपाय है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम महामंत्र की सीढ़ी पे उसको चढ़ाएं और उतराएं। तो जप में लगा रहता है तो मन प्रसन्न रहता है, मन सबकी सेवा करता है तो प्रसन्न रहता है, मन किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, द्वैत नहीं देखता, तो मन प्रसन्न रहता है, मन सबको आदर देता है, प्रेम देता है, सबके हित का भाव रखता है, तो मन प्रसन्न रहता है।
तो हम सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी तप हो, मन का भी, वाणी का भी और शरीर का भी। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।